हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसी टेक चैनल, जहां पर आपको मिलेगा पूरा सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम का। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आप लोग कैसे अपने आईफोन की एप्लीकेशंस के आइकन को चेंज कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को वो वाली एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जिसका आपको आइकन चेंज करना है। मैंने यहाँ पे ऐप स्टोर को चूज़ कर लिया है, ठीक है दोस्तों। देन हम लोगों को आना है गूगल क्रोम के ऊपर या फिर कोई और ब्राउज़र, आप लोगों को यहाँ पे लिखना है अपनी एप्लीकेशन का नाम। मेरी एप्लीकेशन है ऐप स्टोर और उसके आगे आपको आइकन लिख देना है। देन आप लोगों को इमेजेस के अंदर जाना है और आप लोगों को बहुत सारी इमेजेस वगैरह मिल जाएंगी यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये एक इसका जो आइकन है वो हम लोगों को समझ में आ रहा है, तो हम लोगों ने इसको सेव कर लिया है। सेव अगर ना भी हो तो आप लोग सेव इन फ़ोटोज़ दोबारा टैप कीजिए और फ़ोटोज़ के अंदर जाके चेक कर लीजिए कि आप लोगों के पास ये आया है या नहीं आया। और यहाँ पे ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक एप्लीकेशन है वो ओपन कर लेनी है। आप लोगों को यहाँ पे शॉर्टकट्स की एप्लीकेशन ऊपर दिख रही होगी, ये हर आईफोन में होती है। आप लोगों को सिंपल इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद ऊपर राइट में आप लोगों को प्लस का आइकन दिख रहा होगा, सिंपल आप लोगों को इसके ऊपर टैप कर देना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद ओपन ऐप का आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा सेंड मैसेज और प्ले म्यूजिक के ऊपर, सिंपल आप लोगों को इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आना है चूज फ्रॉम मेन्यू को ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पर टैप करने के बाद आप लोगों को बैक करना है और यहाँ पर ओपन के ऊपर आपको ऑप्शन मिल रही है, सिंपल आप लोगों को इसके अंदर आना है। यहाँ से ऐड एक्शन का आपका सामने ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपल आप लोगों को इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे शो हो रही होंगी, सिंपल आप लोगों को ऐप्स के वाले सेक्शन में आने कैटेगरीज़ के बराबर में और यहाँ पर आपके सारी एप्लीकेशन जो है वो मौजूद होंगी। देन आप लोगों को ऐप स्टोर या फिर कोई सी भी आप लोग जो एप्लीकेशन का चेंज करने जाते हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को टैप कर देना है और टैप करने के बाद आप लोगों को इसके ऊपर आना है। और यहाँ पर आने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि गेट डिटेल्स वगैरह यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोगों को इसके ऊपर टैप कर देना है। इसके ऊपर टैप कर देने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आपके सामने सारी चीज़ें मिल रही होंगी। देन न्यू शॉर्टकट के नीचे आपके सामने ऑप्शन आ रहे होंगे, इसके ऊपर आना है आप लोगों को। आई क्लाउड लिंक के ऊपर आपको टैप कर देना है और यहाँ से कॉपी आई क्लाउड लिंक के ऊपर आपको टैप करना है, ठीक है दोस्तों। देन उसके नीचे आप लोगों को ऑप्शन मिला होगा, यहाँ से हम इसको ऐड टू होम स्क्रीन के ऊपर टैप करते हैं और यहाँ पर टैप करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिला होगा चूज़ फ़ोटो, चूज़ फाइल, चूज़ और टेक पिक्चर। सिंपल हम लोगों को चूज़ फ़ोटो के ऊपर टैप करना है और अपनी वाली पिक्चर को ऐड करके यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। देन आप लोगों को शॉर्टकट का नेम चेंज करना है, ऐप स्टोर कर देते हैं हम इसको और ऊपर से हमें ऐड कर देना है। और ऐड कर देने के बाद आप लोगों को यहाँ से नीचे से प्ले कर देना है। देन आप लोगों को होम स्क्रीन के ऊपर आना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपका जो ऐप है वो चेंज हो चुका है, ऐप का आइकन चेंज हो चुका है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। बाय बाय।